बॉयफ्रेंड के चक्कर में छात्राओं के बीच स्कूल में चले लात घूसे, भेजना पड़ा अस्पताल। जिले में दो स्कूली छात्राएं बॉयफ्रेंड के लिए आपस में भिड़ गईं। स्कूल परिसर में ही एक दूसरे के बाल खींचकर जमकर लात घूसे मारे। सिंगरौली जिले में दो स्कूली छात्राएं बॉयफ्रेंड के लिए आपस में भिड़ गईं। स्कूल परिसर में ही एक दूसरे के बाल खींचकर जमकर लात घूसे मारे। मारपीट में एक छात्रा घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां भी दूसरी छात्रा चाकू लेकर पहुंच गई। किसी तरह मामला शांत हुआ। उक्त घटना गत शनिवार शाम को सिंगरौली जिले के नवानगर सरकारी विद्यालय की है। यहां 8वीं और 9वीं की छात्राओं में विवाद हो गया। बॉयफ्रेंड को लेकर पहले दोनों में कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। मारपीट में घायल छात्रा जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर बैरन में भर्ती है। इससे कुछ देर बाद छात्राओं की एक टोली अस्पताल आ गई। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने बताया कि इस तरह का मामला भी उनके संज्ञान में नहीं आया है। अगर आता है तो मामला दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो जानकारी मिली है उसमें दोनों छात्राएं नाबालिग हैं। स्कूल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार दोनों छात्राओं के बीच हुई हाथापाई की प्रमुख वजह एक लड़का है, यानी एक लड़की का बॉयफ्रेंड। एक छात्रा का आरोप है कि दूसरी छात्रा उसके बॉयफ्रेंड से बात करती थी, जिसकी जानकारी पहले ही छात्रा को लग गई थी। इसी बात को लेकर दोनों में जमकर मारपीट हो गई, जिसके कारण एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले में स्कूल के प्राचार्य ओपी शर्मा ने बताया कि किसी के माध्यम से यह जानकारी मिली है। यदि ऐसा है तो दोनों छात्राओं के स्वजन को विद्यालय बुलाकर उन्हें मामले से अवगत कराया जाएगा। डीओ एसबी सिंह ने कहा कि स्कूल परिसर में दो छात्राओं के बीच मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले की जाँच की जाएगी। मारपीट में घायल छात्रा को जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर बैरन में भर्ती कराया गया है। कुछ देर बाद स्कूल परिसर में मारपीट करने वाली छात्राओं की एक टोली अस्पताल में मारपीट करने के इरादे से पहुंची। इस टोली में कुछ लड़के भी थे, लेकिन अस्पताल में लोगों ने उन्हें समझा बुझा कर बाहर कर दिया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में मारपीट करने के इरादे से पहुंची छात्राओं के हाथ में चाकू भी था। मारपीट करने वाली छात्राएं और एक जिस लड़के को लेकर विवाद हुआ था, सभी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं।